और ये ऐसा कबूतर पहली बार देखा हमारे घर में सबने। पकड़ लिया मैंने इसको। अरे गधे, अभी तो आपसे पूछा मैं, ये पर ये घोंसला किसका है? पर ये इतने घोंसला किस चिड़िया का है? मैंने बोला क्या लेगा बता, कहाँ पे उधम मचाना है, क्या तोड़ना है, क्या फोड़ेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लाइट खोल के जला करते हैं व्लॉग। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी जस्ट नहा धो के पूरे तैयार और बालकनी में चल के देखते हैं कि प्लांट्स का क्या हाल है अभी। बाकी एक क्लिप देखो, मैंने अभी जस्ट सुबह उठा था, उठते ही मैंने देखो क्या देखा, एक हमारे बालकनी में ना पिजन आ गया था ग्रीन कलर का। तो आप खुद देखो कैसा है वो। मैं तो पहली बार देखा है अपनी लाइफ में ऐसा ग्रीन कलर का कबूतर। ये देखो सुबह सुबह हमारे घर में ना ये हरे कलर का, हरे रंग का कबूतर आ गया है। बिल्कुल ही अलग कलर है इसका, पहली बार देखा है ना ऐसा कबूतर, ये उड़ नहीं पा रहा है जब से। इसका कलर ऐसा है या ऐसे ही लड़ रहा है अपनी परछाई देख के उससे। ये पानी आपने डाला है? ये अपनी परछाई देख रहा है शीशे में और उससे लड़ रहा है। देखो जो मुझे लग रहा है, देखो 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 अपनी परछाई को देख रहा है। देखो देखो ये लड़ रहा है देखो अपनी परछाई से। और ये ऐसा कबूतर पहली बार देखा है हमारे घर में सबने। इसको पानी दिया मैंने इसमें, इससे थोड़ा सा पानी पी ले। देखो 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 अरे क्या रहे ये, चौंस से चौंस लड़ा रहे ना अब अपने अपने बरसाई से ही लड़ रहा है। गाइस हमारे पौधे देखो सारे, और ये वाला पौधा देखो पूरा खुल गया है। रात को कैसा था, और ये ऐसे बंद हो जाएगा अभी शाम को। देखो ये ऐसे बंद हो जाएगा, देखो ये हो गया बंद। देखो अब थोड़ी देर ना रेस्ट कर रहा है बैठ के, अब नहीं उठ रहा ना हिल रहा, आराम से एक ही जगह पर बैठा हुआ है। गुस्सा है बताओ, 15 मिनट से इसी पोज में बैठा हुआ है, हिलना मतलब पैर तक नहीं हिला रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसको हाथ से उठा के ना यार ग्रिल पे रख दूँ। चल आ, ये नहीं पकड़ा जाएगा भाई मुझसे। अरे यार पकड़ लिया मैंने इसको। अरे गधे, ट्राई करते हैं। हाँ चल, देखो मेरे हाथ में कितने प्यार से बैठा है। की आईज देखो, पर्पल कलर की आईज है। नहीं शीशे के पास उसको, अरे शीशे के पास ले गया नीचे गिर जाएगा। गया इससे, ये रनवे बनाया पापा ने इसके लिए, तो यहाँ से आराम से टेक ऑफ करके सीधा चला गया। आज हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उसकी वजह से आज मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे काम हैं करने के। ये बॉटल जो आपको दिख रही है ये बहुत जल्द आपको पता लगने वाला है, यही एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम काम कर रहे हैं और एक ब्रांड बनाया है, तो उसके अंडर में सारे रेंज निकालने वाले हैं हम बहुत जल्द, जो आपको पता लग जाएगा। कल मैंने GoPro से काफ़ी इससे फुटेज बनाई थी, तो फटाफट से इसकी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर लेता हूँ अपने मोबाइल में। बहुत इजी ट्रांसफ़र होता है, एप्लीकेशन के थ्रू सारी फाइल्स आ जाती हैं कुछ ही टाइम में। नाश्ता ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, तो उसके बाद बाहर चल रहे हैं कुछ सामान लेके आना है मुझे अपने। तो गाइस आज हमारे घर पे आने वाले बहुत सारे नहीं, मेरी बहन कज़न और उनकी फैमिली आने वाली है, तो आज हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, खाना पीना बना रहे हैं। तो ये सब तैयार होने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या क्या बनाया हमने। सब बैठ के अभी देख रहे हैं अंबानी की शादी। शाहरुख सलमान एक साथ हेयर कटिंग करानी पड़ेगी मुझे, बाल बहुत बेकार हो रहे हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर प्लांट्स लेने, और भी प्लांट्स लेने जा रहे हैं इंडोर के लिए हमारे ड्राइंग रूम के लिए। तो मैं और पापा जा रहे हैं गाड़ी से और देखते हैं अभी कौन से प्लांट लेके आते हैं हम इंडोर के,
और आपको दिखाता हूँ इस लॉक के अंदर। चल रहा है तो चल जल्दी जल्दी चल। अबे लिफ्ट आ गई है, लिफ्ट आ गई है, गाड़ी में जा रही है, जल्दी आ। मैं गाड़ी में जाऊँगा, मैं स्कूटर पे चलूँगा। तेरी नई गाड़ी आने वाली है इसलिए कह रहा तू, जिससे तू भी ना छूने थे मुझे। मैं तुझे देखने नहीं दूंगा, छूना तो कहाँ लगाएगा ऐसे तू, पार्क के पीछे देखने कैसे नहीं देखा। गाड़ी पूरी आज सुबह अंदर से साफ करके गया है, सफाई वाला शाइन मार रही है। साफ सी गाड़ी में बैठने का मजा ही कुछ और होता है। डलवाया था इसका मैंने अभी ऋषिकेश जाने से पहले, कूलेंट का डब्बा ही खाली हो गया, पूरे दो डब्बे कूलेंट डला था। देखो उसको भी छुपाने की टेक्निक, देखो अभी क्या छुपेगा। देखो छुप गया ना, सुन वो दिखाता हूँ, एडेनियम, ये भी वही है, ये भी आइडेनियम है। देखो कितना बड़ा बना रखा है उन्होंने, ये भी आइडेनियम है। देखो मैं भी ऐसी बनाऊंगा इसकी जड़। एक ये रहा जाली वाला, अरे बड़ा चाहिए यार, बड़ा नहीं, अरे यही प्रोटोन ले गए, अच्छा था अंदर कमरे के लिए कलरफुल। प्रोटोन नहीं चलेगी बाबूजी, प्रोटोन नहीं चलेगी, बाहर भी रख देंगे, बाहर रख दोगे तो चलती। कोई ऐसा पौधा दो जो ऊंचा जाए, पत्ते पत्ते वाला। पहले तुम रेट बता दो एक बार। ये ₹300 के, ये आप बाबूजी नर्सरी के रेट मत रखना, सीधे होने आपको वो चाहिए था ना पत्थर। देखो कितनी वैरायटी है, एक बार देखें, सारे तरीके के पत्थर हैं इनके पास। क्या बाबा ये वाला ₹120 के। सही रोड लग रही है ना दोनों तरफ, वहाँ पर तो इसका रास्ता कहाँ से है? ये जगह इतनी प्यारी है, सड़ा रखी है लोगों ने यहाँ पर। सही है, अगर ये साफ हो जाए ना भाई साहब, क्या पिकनिक स्पॉट बनेगी। ये तो क्लब आ गया, ये है नर्सरी, देख के आता हूँ आज मैं, कभी पहले नहीं आया नर्सरी में ऐसे। जगदीश नर्सरी, कितनी गर्मी लग रही है भाई, गाड़ी बहुत ठंडी हो रही थी। ये पूरी की पूरी नर्सरी है, ये वही पेड़ है देख, इसको निकलवा के लगा ले ढंग से। कौन सा? ये वही पेड़ है जो दिखा रहा था 15,000 का, इसी को खड़ा सीधा करके लगा दो। तुम ये लगा सकते हैं, ये बढ़िया लग रहा है। यहाँ से लो कोई, देखो यहाँ भाई मुझे समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। ये पौधे में अंडे रखे हुए हैं छोटे छोटे, आप कह रहे हो लगा रखा है हमने, हमने का बोला अभी तो आपसे पूछा मैं। ये पर ये घोंसला किसका है पर, ये इतने घोंसला किस चिड़िया का है? मैंने बोला चिड़ियों ने लगा रखा है, ये अंडा है उसमें, दो अंडे हैं, चिड़िया ने लगा रखा है, हमने बोला रख दो क्यों किसी को घर खराब करने, रख दो इसको वो ले लो आप। इससे अच्छा इसने पौधा वो लगा रखा है चिड़िया ने, चिड़िया। पहले हम ये पौधा ले रहे थे ये वाला, पर हमने कैंसिल कर दिया इसका प्लान, बड़ा बहुत है यार ये। अभी हमने जो डिसाइड किए हैं वो ये दो प्लांट ले रहे हैं हम, बढ़िया लग रहे हैं, काफ़ी बड़े हो जाएंगे, फैल जाएंगे एकदम। कितने पैसे हुए इसके? 600, 700, 1300, 1350 बोलते थे, 150 कर दिए, 300 के वो दे रहा है इससे, पेड़ है वो उसका तो। तो आपको गाइस मैं दिखाता हूँ हमने प्लांट्स कहाँ कहाँ लगाए हैं अभी फिलहाल के लिए। एक यहाँ लगा दिया गेट पे राइट साइड पे, एक लगाया है यहाँ पर, एक यहाँ लगाया है और एक दो यहाँ लगाया है। गाइस हमारे यहाँ पे अभी जो जो चीज़ें बन चुकी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बने हैं कबाब्स,
इसके अंदर भी लगा दिए। ये बना रहा है वाइट सॉस पास्ता, ये क्या कर रहा है पास्ता को कौन भूलता है। ये वाइट सॉस पास्ता, शाही पनीर, भिंडी और दम आलू। दम आलू खाए मम्मी? दम आलू बनाए। इधर दूध है कुकर में। तो ये सब चीजें बनी हैं आज हमारे घर पे, पार्टी होने वाली है एंकर। पता नहीं कौन से इस तरीके से पास्ता बना रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। गाइस दिखाते हैं हम आपको अपना सिस्टम, बन गया बढ़िया सिस्टम। कबाब विद मसाला प्याज। ओ शैतान उसको फर्क तो दे, उसे ढक ढक लेगा। इधर देख, इधर देख, इधर इधर देख, इधर देख, इधर देख, ये घटक लेगा। बर्फ इसको नहीं खाते, बर्फ बर्फ नहीं खाते। हाथ दिखा, हाथ दिखा। क्या लेगा बता, कहाँ पे उधम मचाना है, क्या तोड़ना है, क्या फोड़ेगा बदमाश। क्या तोड़ना है बता, क्या फोड़ना है, ये फोड़ना है, ये पौधा क्या फोड़ेगा बता, ये पौधा फोड़ेगा, इसको फोड़, फोड़ इसको। ये ब्रेड उठा ले, ब्रेड उठा ले, ब्रेड। ये देख एस्ट्रोनॉट कि मैंने बर्फ सिंक में फेंकी है, ये सिंक में से बर्फ निकाल रहा है देख। चल आ जा इधर और दे दूं बर्फ। चल दू बर्फ, दू दू बर्फ। जब से ये बर्फ नहीं मिलेगी बर्फ के लिए उधम काट रखा है इसने। देखो है ना, उधम काटा होता ना बर्फ के लिए, काटा होता उधम। हाँ, हम पास्ता के साथ बना रहे हैं गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड नहीं मतलब बना रहे हैं हम पास्ता के साथ, इसके अंदर बटर वगैरह सब गार्लिक हर्ब्स वगैरह डाल के इसको एयर फ्रायर में डाल देंगे और ये सिक्के आएगी बढ़िया। एक और देख, ओ उग्रवादी क्या तोड़ना है बता, मैं दिलवाता हूँ। क्या तोड़े, अलमारी। नेक्स्ट डिश बनी है हमारे यहाँ पे गार्लिक ब्रेड, बढ़िया लग रही है। ठंडी बात होती है, कल इसका उद्घाटन ऐसे और क्या ठंडा रहता ना इससे। और रात को मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाया था, सो इसी के साथ मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अनदर।